हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दिस इज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू कैन सी हियर द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल। दिस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, व्हिच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, व्हिच इज exterior of the parabola. Last time we have solved a problem and we can find out the area of the region which is interior of the parabola. But in this questions we have to find the area of the region which is exterior of the parabola but included by the circle. And the circle is that x square plus y square equal to 16 and the parabola is y square equal to 6x and we have to find out the exterior part of the parabola. Clear? Solution: given circle is equal to x square plus y square equal to 16, and we have already know that we have to find out the mod y. So mod y is equal to square root of 16 minus x square. This is number one. And the parabola is y square equal to 6x. So mod y is equal to root 6x. This is equation number two. And now the second step is to find out the region which area is to be calculated. This is the second step, and this is the most important step to find out the area of the bounded region. So, first of all, we trace the circle, and circle is x square plus y square equal to 16. Means this is a standard circle, and its radius is 4, and center is 0,0. That's why center 0,0 है और radius आपका 4 है, तो 4 unit का radius करते हैं इसको हम trace कर लिए, तो ये वाला आपका circle होगा. And second one is the parabola, and the parabola is y square equal to 6x. So this is the parabola y square equal to 6x. According to the question, the shaded portion is the required region which we have to find out the area. जिसका एरिया निकालना है वो shaded region. तो मैंने shaded जो region था उसको मैंने set कर दिया और यही region का मेरे को क्या करना है, area find out करना है, मतलब हम लोग को area find out करना है. Okay? चलिए आगे. अब अगर हम इस सर्कल का एरिया निकाल दें और इस व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया माइनस कर दें तो इस शेडेड रीजन का एरिया है. एक रीजन होता है, ये भी एक तरीका है. एक तरीका क्या है कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालें. दूसरा तरीका क्या है कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से व्हाइट वाले रीजन का एरिया माइनस कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का एरिया बताओ. और यहां मैं वही काम कर रहा हूं. इससे पहले जितना सारा भी सवाल था मेरा, उसमें हम किसी में भी हम ये काम नहीं किए, ठीक है, उल्टा काम नहीं किया. हम सीधे जिस रीजन का एरिया पूछ रहा था उसी रीजन का एरिया निकाले. लेकिन यहाँ पे उल्टा करेंगे, मतलब जिसका नहीं निकालना है उसका हम निकालेंगे और पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया. क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए. अब जब हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर कर्व आपका चेंज कर गया. इस पॉइंट से पहले कर्व आपका पैराबोला है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो कर्व आपका क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा. तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो जहां पर या तो अपर कर्व या तो लोअर कर्व, दोनों में से कोई भी एक कर्व चेंज कर जाता है तो वहां पर इंटीग्रेशन बदल जाता है. एक इंटीग्रल नहीं बल्कि एक से ज्यादा इंटीग्रल वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा. तो सबसे पहला काम क्या है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना. एंड वी ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सर्किल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो सबसे पहला काम होता है कि सर्किल और पैराबोला को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना. तो सॉल्व करने के लिए आपको पहले भी बताया थे कि हम लोग वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग किस कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड है, एक्स कोऑर्डिनेट में. तो क्या करेंगे, एक नंबर और दो नंबर को सॉल्व कर देते हैं. जैसे ही सॉल्व करते हैं तो एक्स का दो वैल्यू आता है, एक आता है आपका एक आता है -8, एक आता है 2. देखने से ही लग रहा है कि जो आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं वो आपका किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में. तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव करना है, तो 100% एक्स का वैल्यू 2 लेंगे, -8 नहीं लेंगे. क्लियर? चलिए यहाँ तक तो आई हो कि आपको समझ में आ गए हो. अब जाते हैं इसका रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालते हैं. तो हम लोग थोड़ा कैमरा को उधर उस साइड फोकस करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया कितना आ रहा है. ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एरिया. तो एरिया कितना होगा, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि
पूरे सर्किल में से, ये पूरा का पूरा जो भी सर्किल दिख रहा है आपको, इस पूरे सर्किल में से इस एरिया को घटाना है, ठीक है। सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ आपका फोर है तो पाई फोर स्क्वायर सॉरी माइनस टू टाइम्स। अब बोलिए टू टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो देखो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे और उसका दुगुना करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, इसलिए हम टू टाइम्स कर रहे हैं। तो टू टाइम्स इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट पहले जीरो से लेकर टू तक करना है, कि इस केस में अपर कर्व जो है आपका कौन हो गया, पैराबोला हो गया। तो जीरो से लेकर टू टू टाइम्स होगा, अपर कर्व पैराबोला, पैराबोला के वाई का मॉड वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं रूट सिक्स इंटू एक्स का, ठीक है, सिक्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस घटाना ही है, इससे माइनस करेंगे फिर टू टाइम्स होगा। देखिए आप इस पोर्शन ये टू टाइम्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी वहां लिख रहे हैं वो यहां से यहां तक का एरिया है, लेकिन हमको तो पूरा लेना है ना, तो टू टाइम्स कर रहे हैं और इंटीग्रेट कहां से आधा करेंगे, टू से लेकर फोर तक इंटीग्रेट करेंगे, और इस केस में जो अपर कर्व है वो सर्किल है और सर्कल के लिए मॉड वाई का वैल्यू कितना था 16 माइनस सिक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ 9 स्पेशल इंटीग्रल लगा दीजिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर कितना होगा तो 32 पाई बाई 3 माइनस 4 बाई रूट 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब एक बार इसको गौर से इसके कैलकुलेशन को देख सकते हैं, बाकी तो प्रोसेस एज यूजुअल है जो आपको पहले से पता है, क्लियर। अब मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख रहा हूँ, पहले इसको देखिए फिर बाद में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है आपके सामने देखे आया हूँ, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड रीजन, एरिया ऑफ इनक्लोज्ड रीजन पाई कर्व पर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस इज पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक आपका पैराबोला है, दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों से जो भी बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक पैराबोला हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन, y निकाला हुआ यहाँ से और यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। जब इन दोनों चीज़ को ट्रेस आउट करेंगे, मतलब जब हम इस पैराबोला को और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन को ट्रेस आउट करेंगे तो ये रीजन आपको दिख रहा है, देखिए ये पैराबोला हो गया और ये स्ट्रेट लाइन, तो आपको दिख रहा है ये वाला जो रीजन है इसी काम को क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। सीधा सीधी बात है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व में कर्व हो गया और लोअर कर्व में स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है, एक चीज आपको क्या करना है, करना ये है कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब आपको ये वाला लाइन और ये वाला लाइन चाहिए, क्लियर। ठीक है, तो हमको पता है कि वो दोनों जो बाउंड्री लाइन है वो बाउंड्री लाइन फाइंड आउट कैसे होगा, तो वो जो दोनों बाउंड्री लाइन जहां से पास कर रहा है जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं दोनों को सॉल्व किया हुआ, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स का दो वैल्यू मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है माइनस वन और दूसरा वैल्यू मिल रहा है टू, तो ऑब्वियसली ये वाला जो लाइन होगा स्टार्टिंग वाला तो ये माइनस वन होगा और ये हो जाएगा। अब सीधा सीधी बात है, रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस वन से लेकर के माइनस टू तक, और अपर कर्व, अपर कर्व में कौन हुआ पैराबोला, तो पैराबोला ही अपर कर्व, और माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व का स्ट्रेट लाइन, तो जैसे ही माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल देंगे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर इसका आ जाता है 9/2 स्क्वायर रूट। मतलब सीधा सीधी बात है, पहले एक चीज तो कॉमन, एक चीज तो क्लियर हो गया कि कभी भी एरिया का आपको क्वेश्चन निकालना तो तीन ही स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या है आपका, कुछ एक स्टेप और बढ़ गया, पहला स्टेप यह है कि जो भी कर्व दिया हुआ रहेगा वहां से मॉड वाई निकालेंगे, दूसरा स्टेप यह है कि आप वो रीजन पता कर दो जिसका हमको एरिया निकालना है, और तीसरा होता है बाउंड्री लाइन पता कर दीजिए, अगर पता
पता है तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पता है तो बाउंड्री लाइन पता करके कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद चौथा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका इंटीग्रेशन। तो अगर आप इतना सारा चीज कर लेते हैं सही सही तो कोई भी एरिया का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, वो 100% सही ही बनेगा आपका। क्लियर? कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हेलो फ्रेंड्स, अब एक और अच्छा सा सवाल है आपके सामने, देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन पहले कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो रीजन है इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस कॉमा द लाइन x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई एंड द सर्कल बेस, मतलब तीन कर्व, एक आपका सर्कल है, एक कर्व है और दो स्ट्रेट है, एक खुद x एक्सिस हो गया और एक लाइन है आपका x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई। तो इन तीनों से जो भी रीजन बॉन्डेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो सर्कल है उससे हम लोग मॉड वाई निकाल लिए और जो स्ट्रेट लाइन है उससे हम लोग वाई निकाल लिए, एक नंबर तो इतना होगा। सेकेंड जो स्टेप रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो फिगर ट्रेस करते हैं। तो पहले हम लोगों ने एरिया ट्रेस कर लिया और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है और स्लोप कितना है 1/√3, मतलब 30 डिग्री बनाता, 30 डिग्री नहीं है लेकिन 45 डिग्री से कम, तो एंगल बनाता हुआ जो एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा ऑरिजिन से, ठीक है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन y = x/√3 और ये सर्कल से यही ना रीजन फाइंड आउट हो रहा है, यही ना बॉर्डर रीजन इसका एरिया निकालना। लेकिन जरा सा गौर करो, इस पॉइंट तक इससे पहले स्ट्रेट लाइन अपर कर, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के बाद √3 से आगे बढ़ते हैं तो ये जो कर्व है सर्कल ये अपर, मतलब अपर कर्व हो गया, मतलब इस पॉइंट के अगल बगल में कर्व आपका चेंज कर रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन यहाँ बदल जाएगा, आप एक बार में एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पता करना है कि ये जो जहाँ पे कर्व चेंज कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, वहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पहले से भी पता है कि ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सर्कल का और इस स्ट्रेट लाइन का, दोनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे और x का जो भी वैल्यू आएगा वो पर्टिकुलर वैल्यू ये आपका लाइन हो जाएगा x = something, ठीक है। तो इसके लिए हमने उस साइड, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ, उस साइड मैंने कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं पहला और दूसरा को, सॉल्व करने पर हमको x का वैल्यू मिलना +-√3, 100% पॉजिटिव साइड ले रहे हो तो √3 नेगेटिव में तो होगा ना, इसलिए ये जो लाइन है x = √3। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालने क्या करेंगे, पहले 0 से लेकर के √3 तक इंटीग्रेट करेंगे, उसके अपर कर्व ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लोअर कर्व x एक्सिस है, ठीक है। देखा रिक्वायर्ड एरिया = इंटीग्रेट 0 से लेकर के √3, अपर कर्व में स्ट्रेट लाइन है और वो है x/√3, और क्योंकि लोअर कर्व x एक्सिस है इसलिए 0 घटता है, कोई फर्क नहीं पड़ा dx प्लस। फिर सेकंड टाइप क्या होगा, आप √3 से लेकर के √2 तक इंटीग्रेट करेंगे, उसके अपर कर्व सर्कल हो जाएगा, तो सर्कल का मॉड वाई हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और लिमिट कहाँ से खत्म हो गया √3 से लेकर के √2। अब तो सीधा सीधी बात है, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ 9² इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ एक सिंपल x^n वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो अल्टीमेटली हमको π/3² मिल रहा है, जो आप ही देख सकते हैं। क्लियर? तो आप इस थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लीजिए और फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये π/3 आ रहा है लास्ट में, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कुछ नहीं है, लास्ट में मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया है जो आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता ये है कि जब भी हम लोग अभी तक जितना भी सारा कैलकुलेशन कर रहे थे एरिया का, तो हम लोग जो ले रहे थे वो x एक्सिस की तरफ ले रहे थे,
कभी कभी जो है काम हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब हमको ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन हम एक्स एक्सिस के तरफ ही लेकर के एरिया फाइंड आउट करें, हम चाहें तो वाई एक्सिस के तरफ भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक नोट और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ ये एक रीज़न आप देख सकते हो, ये एक रीज़न है, ये आपका ऑरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये सपोज दैट मान लो कोई कर्व है एक्स इक्वल टू फाइव वाई लिखा हुआ, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स लिखा हुआ है, वाई वाई बराबर लिखा हुआ है एक्स के टर्म, तो इसको आपको उस केस में इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन लिखिए, तो ये आपका कर्व हो गया और बाउंड्री लाइन मान लो कि इस केस में एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी तक, इस पोर्शन का अगर आपको एरिया निकालना है तो हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे लोअर से अपर तो ए से बी, इस केस में कर्व जो है ये हो गया मॉड एक्स मतलब सिंपली क्योंकि ये कर्व जो है राइट हैंड साइड है तो एक्स आपका पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड एक्स डी वाई और मॉड एक्स की जगह हम लिख सकते हैं फाइव वाई डी वाई, तो ये पोर्शन आपको हमेशा एरिया प्रोवाइड करेगा कब, जब इस तरह का सिचुएशन है। क्लियर, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन जो भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको आप एक्स एक्सिस की तरफ रेफरेंस लेके बना सकते हो, तुम चाहो तो उसको वाई एक्सिस की तरफ भी रेफरेंस लेके बना सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सही होगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं कैमरा को अंदर फेस करता हूँ, ठीक है, चलिए आप यहाँ देख सकते हो एक क्वेश्चन आपको देख रहा होगा। हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड द लाइन, लाइन है आपका एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा वाई इज इक्वल टू फोर ए, मतलब दो स्ट्रेट लाइन है और एक पारा बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये जो है आपका पारा बोला है, ठीक है, और दो स्ट्रेट लाइन है और इन सबसे जो भी रीजन बाउंडेड होगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। क्लियर, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है गिवन पैराबोला, ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो होगा वो सेंटर में ही कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली ये हो गया आपका वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स जो होगा वो ए कोमा जीरो, और क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है तो मतलब इस तरह का फेस तो होना ही होना है, इस तरह का फेस होना ही होना है, लेकिन वर्टेक्स जो कि 0.0 पे है वो 0.0 पे नहीं बल्कि 1.0 पे हो जाएगा, ऐसा हम लोग पैराबोला में पढ़ते हैं, तो ये हो गया वर्टेक्स 1.0 और ये पैराबोला आप दिख रहे हैं, ठीक है, और एक लाइन है आपका वाई इज इक्वल टू फोर ए, ऑब्वियसली वाई इज इक्वल टू जीरो से ही आपका होगा, ऊपर होगा वाई इज इक्वल टू फोर ए, और एक लाइन है एक्स इज इक्वल टू वन, तो देख रहे हो यहाँ पे यहाँ 1.0 है तो 100% ये लाइन हो जाएगा एक्स इज इक्वल जीरो और ये तुम्हारा वाई एक्स, ठीक है, तो इसका देखिए आप ये जो रीज़न है ये रीज़न आपका आ रहा है, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के फोर ए, मतलब हम वाई क्या कहते हैं वाई एक्सिस के तरफ रेफरेंस करके बना रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू जीरो से फोर ए आपका लिमिट हो गया, उस केस में अपर कर्व कौन है, अपर कर्व ये पैराबोला है, तो यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर प्लस वन, ये अपर कर्व हो, और लोअर कर्व में देखो ये खुद स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमको अगर ये ले लेंगे तो फिर यहाँ तक ना जाएगा आपका वाई एक्सिस तक आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमको यहीं तक चाहिए तो ये लोअर कर्व ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स इक्वल टू वन है, मतलब वन घट जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वन वन कैंसिल आउट हो गया, बाकी वाई क्यूब अपॉन कितना हो गया सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई क्यूब बाई ट्वेल्व ए का स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे जीरो से लेकर के फोर ए, और जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 16 ए बाई 3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब क्लियर सी बात है, जो मैंने नोट दिखाया उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया ताकि आपको मतलब क्या बोलते हैं आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं और कैसे हम वाई एक्सिस के भी रेफरेंस में एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी है छोटी ही बात है, लेकिन आपको जाननी चाहिए कि वाई एक्सिस की तरफ भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नीचे अगर दिखा तो मैं दिख रहा हूँ, कैमरा आपको फेस करके दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हो आप कैलकुलेशन, ठीक है, नीचे में देखो वाई स्क्वायर ए वन वन कैंसिल हो गया था आपका, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, ऑलरेडी 12 था आपका,
ठीक है, फिर लिमिट 0 से लेकर के 4a तक है, कैलकुलेट किए तो अल्टीमेटली आपका ये जो है आंसर दिख रहा है। तो जो भी आपका वो नोट था उस नोट से रिलेटेड ये जो है आपका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है, ओके।